इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए, खुद ब खुद आपको थोड़ा थोड़ा एहसास हो जाएगा कि आखिर क्या माजरा है। एक शख्स कैसे कमरे में इधर उधर देखता है और फिर अंदर चला जाता है। इसके बाद लोग उसे पकड़ लेते हैं। यह सीन मुंगेर के एक ब्यूटी पार्लर का है। जिस लड़के को पकड़ा गया है वह एक दुल्हन को मौत की नींद सुलाना चाहता था और बिहार पुलिस का जवान भी है। उसने अपने पिस्टल से अपूर्वा को उसकी शादी से पहले ही गोली मार दी। हालांकि बाद में उसे जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार पुलिस के जवान ने अपनी मोहब्बत को गोली मारने के बाद खुद भी पिस्टल से गोली मारने के फिराक में था, लेकिन उसके हाथ से बंदूक ही फिसल गई। ब्यूटी पार्लर में मौजूद लोगों ने उसे पकड़ा भी, लेकिन वह पिस्टल छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है। इस खतरनाक और खौफनाक वारदात की खबर से पूरा इलाका दहल गया। जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दुल्हन के पुराने आशिक ने ऐसी करतूत ही की थी। जिस दुल्हन को डोली पर चढ़कर बाबुल के घर जाना था वह जिंदगी और मौत के रास्ते पर झूलते हुए अस्पताल पहुंच गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद शादी की खुशियां मातम और चीख पुकार में तब्दील हो गई। अपूर्वा के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारापुर दियारा पंचायत की है, जहां रविवार को जितेंद्र कुमार की 26 साल की बेटी अपूर्वा कुमारी की शादी होने वाली थी। उसकी बारात खड़गपुर से आने वाली थी। वह 7 फेरे लेने से पहले कस्तूरबा वाटर्स के पास ब्यूटी पार्लर गई थी। तभी पटना में पोस्टेड बिहार पुलिस के जवान अमन कुमार ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अमन भी उसी गाँव का ही रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अमन की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। यहाँ पे क्या हुआ था ये बता दीजिए। कुछ नहीं, हम यहाँ पे बिलिंग कर रहे थे, सडनली मुझे आवाज आई बैक साइड पे कि गोली चल रही है और पुलिस मुझे भी बुलाया गया, तो मैं तुरंत वहाँ पे देखा। मैंने कोशिश भी की, ऐसे नहीं है कि मैंने जैसे कोशिश की तुरंत सबके ऊपर रिवॉल्वर रखा जा रहा था सर से, तो सब लोग पीछे हुए हैं। अंदर में हम सामने गए, क्या नाम है, पुलिस चौक स्टेज, वहाँ पे हम लेडीज जो भी थी उनको बुलाया, बट वो उस टाइम भी कोई नहीं सुना। फिर हम तुरंत जो भी हमारी ब्राइडल थी उनको हम ले गए थे तुरंत टोटो करा के हॉस्पिटल। मैम ये जो यहाँ पे जो महिला आई थी वो क्या क्या चीज का मेकअप कराने के लिए आई थी? ब्राइडल मेकअप आई थी, शादी का, आज उनका शादी है, ब्राइडल मेकअप। मतलब वो जो लड़का गोली चलाया था कितने संख्या में आया था ये हमको बताइए आप। हमको सर संख्या मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। कितने लोग थे तब? सर सीसीटीवी कैमरा आएगा, उसमें आप चेक कर लीजिए प्लीज। यहाँ पे क्या व्यवस्था है, खासकर जो स्थिति है यहाँ पे, क्या आपको गार्ड उड़ा प्रतिनियुक्त करते हैं या किसी तरह से ऐसा कुछ? सॉरी, कैसे एंट्री है यहाँ पे? यहाँ पे सर सामने हमारा रिसेप्शन है, कोई गार्ड नहीं है, सामने हमारा चौकी है। क्या नाम है आपका? निधि गुप्ता। ये कस्तूरबा वाटर पार्क के बगल में ही जावेद हबीब का ब्यूटी पार्लर है। उसमें एक ब्राइडल मेकअप के लिए अपूर्वा कुमारी को एक लड़की आई थी, लगा है वन टू गन शॉट चलाने की कोशिश किया था। वन गन शॉट उनके पीठ पे लगा है और शी हैज बीन एडमिटेड टू सदर हॉस्पिटल। We are just investigating and first instance it has come to notice that कि जो लड़के गोली चलाए उसका नाम अमन है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने जितना भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के टर्म में जितने ब्लड गिरे हुए थे उसको हम लोगों ने प्रिजर्व कर लिया है। वन पिस्टल मिला है जो मॉक पोजिशन में था, वन पेलेट्स मिले हैं और वन बुलेट मिले हैं। फर्दर हम लोग और भी कलेक्शन कर रहे हैं जो कि हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। सर ये अमन का जो बात आ रही है सामने में, भी गोली मारने का प्रयास किया था सर कुछ ऐसा? यहाँ फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा है, वी आर वेरीफाइंग इट एंड सब्सिक्वेंटली जो हम लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं जो रोल टेस्टिंग कर रहे हैं। ये सर बिहार पुलिस का भी जवान है क्या? नहीं, इसके बारे में हम कोई कंफर्म नहीं है। हम लोग जस्ट एक हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके आधार पे हम लोग बोल रहे हैं। वंस जब जो भी लड़का जो फायरर है जो शॉट मारा है गोली मारा है उसको हम लोग तलाश कर रहे हैं एंड
जो भी हम लोग अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फर्दर हम लोग अरेस्टिंग के लिए शॉर्ट ऑब्लिक रेड्स कंडक्ट करेंगे।